नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। किताबों से दूर कर रहा है मोबाइल, आखिर क्यों? मोबाइल और इंटरनेट के जमाने में आजकल कौन किताबें पढ़ता है, ये सवाल भी जहन में आता है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही सोच हमारी युवा पीढ़ी में साफ देखी जा सकती है, जहां एक तरफ उनके सारे सवालों का जवाब उन्हें सिर्फ एक सर्च में मिल जाता है, इसीलिए ये विकल्प उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित भी करता है। वहीं आधे से ज्यादा समय लोग अपने स्मार्टफोन में बिता देते हैं। यहां तक पेरेंट्स भी अपने बच्चों को किताब पढ़ने के बजाय स्मार्टफोन लाकर दे देते हैं। बात अगर स्कूल कॉलेजेस की करें, लाइब्रेरी की, तो वहां किताबें तो होती हैं, लेकिन उन्हें पढ़ने की आदत पर ध्यान नहीं दिया जाता। और कहीं कहीं तो लाइब्रेरी की हालत इतनी खराब होती जा रही है कि लोग चाहकर भी वहां जाना पसंद नहीं करते। किताबों के प्रति युवाओं और बच्चों को जागरूक करने के लिए सरकार, स्कूल और परिवार को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या सच में मोबाइल की वजह से आज की पीढ़ी किताबों से दूर हो रही है? करेंगे इस बात को लेकर चर्चा भी, लेकिन पहले देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। लोगों में किताबें पढ़ने की आदत कम हो रही है। मोबाइल में व्यस्त रहने की वजह से उनके पास किताबों के लिए वक्त नहीं रहता। आपको हैरानी होगी कि आजकल सिर्फ 25% युवा ही अपने दिनचर्या में से कुछ समय किताबों को देते हैं, यानी उनके अंदर पढ़ने की रुचि कम होती जा रही है। एक सर्वे के अनुसार टीवी, मोबाइल और इंटरनेट को किताबें ना पढ़ने की असल वजह माना गया है। इसके बाद कुछ हद तक ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की पीढ़ी किताबों से दूर होती जा रही है, लेकिन किताबों से लोगों की दूरी के जिम्मेदार सिर्फ मोबाइल है, ये कहना भी पूरी तरह से सही नहीं है। छोटे बड़े शहरों में मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट तो बढ़ाए गए, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालयों की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद उनकी हालत और भी खस्ता होती चली गयी। युवाओं के नजरिए से देखा जाए तो हम इंटरनेट और स्मार्टफोन्स की दुनिया में हैं, जहां से वो कोई भी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि इंटरनेट को किताबों के विकल्प के रूप में पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया है। बाजार में मोबाइल की मांग बढ़ने के बाद किताबें बेचने वाली दुकानें और बाजार बंद होते चले गए। कंपटीशन के चलते बच्चों के पेरेंट्स भी उन्हें महंगे स्मार्टफोन्स तो खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए किताबें खरीद कर लाना उनकी आदतों में शुमार नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि युवाओं को किताबों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। वाकई एक बड़ा सवाल है कि आखिर किताबों से जो युवा पीढ़ी है वो क्यों दूर होती जा रही है। क्या वाकई स्मार्टफोन को जिम्मेदार माना जाए? क्या वाकई में स्मार्टफोन जिम्मेदार है जिस तरीके से किताबों से दूर होती जा रही है युवा पीढ़ी, और किताबों से दूर स्मार्टफोन की दुनिया में कहीं ना कहीं होती जा रही है? एक बड़ी वजह इसे माना जा रहा है, यही एक वजह माना जा रहा है कि जो स्मार्टफोन है, जो इंटरनेट है, इस दुनिया में, इस आधुनिकता में जो युवा पीढ़ी है वो पूरी तरीके से संलिप्त हो गई है। और यही मुख्य वजह भी निकलकर सामने आ रही है सर्वे के दौरान भी कि स्मार्ट वजह से जो युवा पीढ़ी है वो पुस्तकों से, किताबों से दूर होती जा रही है। इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों की राय बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि आपकी राय बेहद ही महत्वपूर्ण है। वाकई क्या स्मार्टफोन की वजह से किताबों से दूर होता जा रहा है युवा वर्ग, इसको लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, अनिल शर्मा जी, प्रोफेसर हैं जवाहरलाल मेमोरियल पीजी कॉलेज के, बाराबंकी के। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। आशुतोष जी, स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, उन्नाव से जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, अपनी बात रखिए।
मैम, जैसा कि आजकल मोबाइल का जमाना आ गया है जी, तो धीरे धीरे सभी लोग मोबाइल का यूज कर रहे हैं, किताबों से उनका मन भंग हो रहा है जी, बहुत ही दिक्कत हो रही है इस समय। बिल्कुल, कुल मिलाकर स्मार्टफोन की वजह से किताबों से दूर होता जा रहा है युवा। शुक्रिया कॉल करने के लिए। बांदा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपना नाम बता दीजिए और साथ ही अपनी बात रखिए। आर्यन जी, अपनी बात रखिए। आर्यन जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, शायद संपर्क टूट गया है। अनिल शर्मा जी, आपके पास आएंगे। एक जो सर्वे के अनुसार अगर बात की जाए तो स्मार्टफोन को जिम्मेदार माना जा रहा है, जिस तरीके से हमारी नई पीढ़ी कहीं ना कहीं किताबों से दूर होती जा रही है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी मैडम, स्मार्टफोन तो जिम्मेदार है ही, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो शॉर्ट टाइम में हर चीज प्राप्त कर लेना चाहते हैं। किताब पढ़ने में थोड़ा हमें समय गुजारना पड़ता है, उसमें हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इंटरनेट पे बड़े आसानी से स्मार्टफोन के जरिए वो इंटरनेट से सारी चीज डाउनलोड कर लेते हैं और उसमें वो आ जाते हैं, लेकिन जो जो जानकारी, जो ऑथेंटिक जानकारी हमको पुस्तकों से मिलती है, रेफरेंस बुक से मिलती है, उतनी ऑथेंटिक जानकारी हमें इंटरनेट मुहैया नहीं करा पाती। कई बार जो भी सूचनाएं मिलती हैं वो ऑथेंटिक नहीं हो पाती, गलत भी होती हैं। बिल्कुल। दूसरा ये है कि हमारे घरों से किताबें, मतलब गजट बढ़ते जा रहे हैं, किताबें दूर होती जा रही हैं। हमारे जो गार्जियन हुआ करते थे वो भी किताबें पढ़ते थे, बच्चे उनको देखते थे कि हमारे मम्मी पापा भी किताब पढ़ते हैं। अब हमारे जो भी गार्जियन है, जो नए गार्जियन है, वो टीवी और इंटरनेट से खुद इतने लैस हो गए हैं, उनके पास बच्चों के लिए समय नहीं है। बिल्कुल। वो किताबें खरीद के नहीं लाते हैं, स्मार्टफोन दे देना, कंप्यूटर दे देना, तरह तरह की चीजें, जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें उपलब्ध करा दे रहे हैं, लेकिन पुस्तकें हम घरों में नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे जो उस पर आश्रित होते जा रहे हैं। एक छोटा उदाहरण मैं बताऊं आपको, हम लोग का बचपन जब था तो हम लोग कॉपी अगर मांग के लाते, स्कूल नहीं गए, कुछ छूट जाता था तो कॉपी लेके आते थे और उसको उसी शाम को या नेक्स्ट डे हम इतना, मतलब सब काम छोड़ के लिख लेते थे, कॉपी कर लेते कि हमें दूसरे दिन देना है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, कॉपी लेके आते हैं, उसको फोटो कॉपी करा लेते, उतारते भी नहीं है, कॉपी नहीं करते हैं, वो फोटो कॉपी करा लेते हैं। अब तो उससे भी वो हो गया, स्कूल में। बिल्कुल। अनिल जी, आपके पास आएंगे। दर्शकों की कॉल और दर्शकों की बात बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। बांदा से एक दर्शक हमारे साथ राम नारायण जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपको कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। जी सर, बात ये है कि जो मोबाइल स्मार्टफोन चले हैं ये जी, फोनों के द्वारा बच्चे पढ़ते भी नहीं है जी, फोन में ही लगे रहते हैं बच्चे और पढ़ते भी नहीं है। चलिए, पढ़ाई भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है स्मार्टफोन की वजह से। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जी अनिल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी अनिल जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही तो अपनी बात पूरी कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले 25 वर्षों में हमारे देश में तेजी से आर्थिक बदलाव हुए हैं और कहीं ना कहीं सामाजिक संरचना व सांस्कृतिक परिदृश्य को बदल दिया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट वगैरह बढ़ते जा रहे हैं और जो पुस्तकालय हैं वो कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं, तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जी जी, आवाज नहीं आ रही। चलिए अनिल जी, आपके पास आएंगे। दर्शकों से लगातार अपील भी करना चाहेंगे कि इस मुद्दे को लेकर अपनी राय रख सकते हैं। दरअसल किताबों से जिस तरीके से जो आधुनिक वर्ग है, जो युवा पीढ़ी है, वो लगातार भटकती जा रही है, दूर होती जा रही है, क्या आप भी यही वजह मानते हैं
कि इंटरनेट की जो दुनिया है, जो स्मार्टफोन है, कहीं ना कहीं यही जिम्मेदार है जो युवा पीढ़ी किताबों से दूर होती जा रही है। क्योंकि आधुनिकता के इस दौर में अगर देखा जाए तो लोगों को इंस्टेंट जो फायदे होने चाहिए वो कहीं ना कहीं इंटरनेट में पॉसिबल हो जाते हैं। अगर किसी चीज को लेकर कोई जानकारी चाहिए तो तुरंत उसका सर्च किया जाता है और उसे वो जानकारी प्राप्त हो जाती है। क्या ये वाकई एक मुख्य वजह बनता जा रहा है? लखीमपुर से केसी मिश्रा जी एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। केसी मिश्रा जी, स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। मैम, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं ये ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से, बच्चों का भविष्य बहुत खराब हो रहा है। मैं तो सरकार से भी अपील करूंगा। चलिए, शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और इसके लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि आजकल देखने में ये भी आता है कि अगर बच्चा हाई स्कूल की परीक्षा पास कर रहा है या इंटर की परीक्षा पास कर रहा है तो उसकी डिमांड होती है कि मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए, और पेरेंट्स खुशी खुशी उसे स्मार्टफोन खरीद कर दे देते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है बच्चे की पढ़ाई को लेकर भी। अनिल जी, आपके पास आएंगे। अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो आपसे हमारा सवाल था कि आधुनिकता के इस दौर में अगर हम बात करें, पिछले 25 वर्षों से हमारे देश में तेजी से आर्थिक बदलाव तो हुए, मल्टीप्लेक्स बने और सिनेमा घरों में भी देखा जाए तो मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरों जो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुस्तकालय है वो खोते नजर आ रहे हैं। अनिल जी, चलिए शायद हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है, मेरी आवाज अनिल जी तक पहुंच नहीं पा रही है। एक बार दर्शकों से भी अपील करना चाहेंगे कि अगर इस मसले को लेकर वो अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि आपकी राय बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। और साथ ही साथ ये जो मुद्दा है वो इसलिए भी उठाया गया है कि कहीं ना कहीं जो समाज है, जो पेरेंट्स हैं, वो थोड़ा सा अवेयर हो और जिम्मेदार हो, क्योंकि स्मार्टफोन कहीं ना कहीं वो बच्चों को अपनी खुशी खुशी लाकर देते हैं जो इसके आदि होते जा रहे हैं। बिहार से एक दर्शक आलोक मिश्रा जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। आलोक जी, जी संतोष जी बोल रहा हूँ मैं। जी संतोष जी, जी 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 मैडम, ये आपका दिखा रहा है मोबाइल और इंटरनेट की जो बातें चल रही हैं। जी जी, मैं एक्चुअल में, जी संतोष जी, जी अपनी बात रखिए। मैं बात ये देख रहा हूँ कि ये इंटरनेट, और सबसे पहली क्या होता है कि हम सबको देखते हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है तो सजेशन देता है कि उसका बच्चा खराब हो रहा है मोबाइल इंटरनेट यूज करके। लेकिन मैंने कभी कभी सोचा कि अपने बच्चे ऊपर मैं फोकस ज्यादा करने लगा कि मेरी बेटी जो है और लड़का जो है वो मोबाइल से कितना क्या कर रहा है। हर समय क्या होता है हमारे देश में, ये अभी चल ही रहा है कि किसी को देख के हम उसका व्यंग करते हैं, लेकिन खुद अपने आप को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल, एक किताब जो है आध्यात्मिक रूप से उसको देखा जाता था, और किताब में क्या था कि जब बच्चे हम लोग पढ़ते थे तो एक किताब को ही उलट पुलट करके पढ़ाई कर रहे थे, तो वो फोकस पूरा उस किताबों पे जाता था। अभी नेट का समय है, मैं मोबाइल पे देख रहा हूँ, एक कोर्स देख रहा हूँ, फिर तुरंत माइंड में आया तो दूसरा चीज पलट दिया उस मोबाइल को। कहने का मतलब, कहीं ना कहीं मेरा एकाग्रता जो है पढ़ाई के ऊपर, एक स्टूडेंट के ऊपर मैंने हूँ ही नहीं मैं, एक इंटरनेट जहाँ तक बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो उसमें एकाग्र चित होकर के आप पढ़ाई करते हैं और इसमें कहीं ना कहीं ध्यान भटक जाता है। शुक्रिया कॉल करने के लिए और इम्पोर्टेंट अपनी बात रखने के लिए। राम नारायण जी दर्शक जुड़े हुए हैं बांदा से, स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। राम नारायण जी, राम नारायण जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, राम नारायण जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनिल जी, आपके पास आएंगे। एक मुख्य वजह निकल कर सामने आ रही है कि स्मार्टफोन जो इंटरनेट की दुनिया है वो हमारी नई पीढ़ी पर हावी होती जा रही है, और इसी वजह से किताबों से ध्यान भटकता जा रहा है। क्या वाकई में ये स्मार्टफोन और इंटरनेट की दुनिया ही जिम्मेदार है?
मैडम देखिए कई सारी चीजें जिम्मेदार है। समाज बहुत तेजी से बदल रहा है। बिल्कुल, समाज में जो बदलाव आ रहा है, न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट आया है, इसके लिए ये भी जिम्मेदार है कि जो बच्चे किताबों से दूर हो, जब वो बाबा दादी या अन्य रिलेशन के लोग परिवार में रहते थे तो उनको पढ़ते लिखते हुए देखते थे, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई अन्य धार्मिक किरदार कल्याण पढ़ रहा है, तो वो बच्चों में भी एक प्रेरणा होती थी कि वो हमारे बाबा क्या पढ़ रहे हैं, हमारी दादी क्या पढ़ रहे हैं। अब न्यूक्लियर फैमिली है, पति पत्नी और बच्चे हैं, पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, तो बच्चा अकेला महसूस करता है, या तो टीवी देखता है या इंटरनेट या गैजेट देखता है। उनके पास समय नहीं है, बच्चों के लिए समय नहीं है। बिल्कुल, वो अपनी ड्यूटी करके आते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। फिर बच्चे को जो समझ में आता है कोर्स के बाद, गार्जियन को भी लगता है, जो नए गार्जियन उनको भी लगता है कि चलो कोर्स के बाद बच्चा कुछ इंटरटेनमेंट कर रहा है, उस इंटरटेनमेंट के बहाने वो गजट या मोबाइल से खेलता है, देखता है, समझता है। अब बच्चे बहाना करके आते हैं, मुझे जो है अपने ग्रुप का व्हाट्सएप देखना है या मुझे उसमें से कुछ होमवर्क लेना है। पहले हम लोग क्या होता, गार्जियन होता था, कोई ऐसे लिखना है तो 10 लाइन 15 लाइन बोल करके लिखाता था। अब क्या होता, सीधे जाओ इंटरनेट से डाउनलोड कर लो। अब डिक्शनरी देखना है, डिक्शनरी नहीं कोई बच्चा देखता, सीधे मोबाइल की डिक्शनरी देखता है। जब वह किताब रूपी डिक्शनरी देखता था तो उसके साथ 10 शब्दों को देखता था, बिल्कुल अन्य शब्दों की भी जानकारी। अब क्या होता है, वो पर्टिकुलर शब्द को देखता है, उसके बाद दूसरी दुनिया में चला जाता है। तो गार्जियन की जिम्मेदारी ज्यादा अब बढ़ गई है, बिल्कुल, हमारा बच्चा कब कितनी देर इंटरनेट या मोबाइल को इस्तेमाल करे। और किताबों पर प्रेम अगर कोई बढ़ा सकता है तो गार्जियन ही बढ़ा सकता है। खुद भी पढ़े, एक घंटा आधा घंटा समय निकाले पढ़े, और बच्चे को प्रेरित करे, अच्छी अच्छी कहानियां पढ़े, उसको सुनाए कि देखो ये किताब में ये कहानी है। अभी हमने खुद, मैं बताऊं, बेटा मेरा फिफ्थ क्लास में है, तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया लेना, हमने कहा कि तुम सवेरे या जब भी समय रहेगा तो टाइम्स ऑफ इंडिया के सारे हेडिंग्स हमको पढ़ के बताओगे, क्योंकि ऐसे पेपर आता वो नहीं पढ़ता है, वो कहता हम टीवी में देख लेंगे, हम मोबाइल में देख लेंगे। बिल्कुल, तो आदत डालनी है तो कुछ ना कुछ हमें सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, कहते हैं, देखिए कहा भी जाता है अनिल जी कि बच्चों को शुरुआत से ही अगर जैसे परिवेश में ढालो वो उसी परिवेश में ढल जाते हैं, और एक गाइडलाइन की जरूरत है। और कहीं ना कहीं शुरुआत से ही अगर बच्चों को हम वैसी ही शिक्षा दीक्षा दें, स्मार्टफोन से दूर रखें, इंटरनेट की दुनिया से दूर रखें और किताबों की ओर ध्यान आकर्षित करें तो वाकई, और लेकिन उनकी आदत में शुमार करने से पहले अपनी आदत में उसे शुमार करना होगा। यहां वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, चर्चा हमारी जारी रहेगी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और लगातार हम बात कर रहे हैं कि आखिर जो नई पीढ़ी है वो किताबों से दूर क्यों होती जा रही है। जो अगर सर्वे की बात करें तो दूर होने की वजह स्मार्टफोन और इंटरनेट की दुनिया नजर आ रही है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि ये कहीं ना कहीं गलत है, स्मार्टफोन का यूज करना चाहिए, लेकिन हर एक चीज का इफेक्ट भी होता है और उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी और इस मसले को लेकर दर्शकों की राय बेहद ही महत्वपूर्ण है। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं क्योंकि आपकी राय बेहद ही महत्वपूर्ण है। अनिल जी आपके पास आएंगे, अगर पुस्तकों की बात करें, हम किताबों की बात कर रहे हैं, हम आधुनिकता के इस दौर में हैं और हाईटेक होने की बात करते हैं, हर चीज कहीं ना कहीं आधुनिकता के इस दौर में तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। अगर बात करें तो ये भी बात निकलकर सामने आती है कि स्मार्टफोन और इंटरनेट की दुनिया जिम्मेदार तो है किताबों से, कहीं ना कहीं युवा वर्ग जो नई पीढ़ी है वो दूर होती जा रही है, लेकिन जो किताबें होती हैं वो इतना आधुनिकता से मैच नहीं करती, या ये कहें कि आधुनिकता के इस युग में जो हमारी पुरानी संस्कृति है वो विलुप्त होती जा रही है। भैया वॉइस चला गया, चलिए हमारा संपर्क शायद हो नहीं पा रहा है, दोबारा से संपर्क करेंगे और हम इस चर्चा को जारी भी रखेंगे और इस मसले को लेकर दर्शकों की राय बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर क्यों जो हमारी नई पीढ़ी है वो अपनी आदत में ये शुमार नहीं कर पा रही है कि हमारी जो पुस्तकें हैं उनसे एक ज्ञान मिलता है, एक संस्कृति का पता चलता है और कहीं ना कहीं किताबों से जुड़ना चाहिए। एक काफी अहम सवाल भी खड़े होते हैं कि हम आधुनिकता के इस दौर में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम बात करें पिछले 25 वर्षों की तो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है इसमें तो बदलाव आए, लेकिन तेजी से मल्टीप्लेक्स भी बनाए जा रहे हैं, जो रेस्टोरेंट हैं वो भी बनाए जा रहे हैं, फिर आखिर क्यों पुस्तकालयों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आखिर क्यों जो सार्वजनिक हैं
पुस्तकालयों का निर्माण कराया जाना चाहिए ताकि लोग किताबें पढ़े और जानने की कोशिश करें। स्मार्टफोन की दुनिया में लोग खोए हुए हैं और सबसे अहम बात कि कहीं न कहीं इस मसले को लेकर समाज को थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है। जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, उनको थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि हर कोई स्मार्टफोन का आदि बनता जा रहा है और किताबें पीछे छूटती जा रही है। एक वक्त था जब कहीं ना कहीं स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के लिए बच्चे जाते थे और लाइब्रेरी होती थी। अगर कॉलेज की स्पेशली बात की जाए तो लाइब्रेरी इसलिए बनाई जाती थी ताकि एकांतपूर्ण बैठकर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वहां पर जाकर अपने ठीक से वो पढ़ाई कर सके। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से लाइब्रेरी भी हाईटेक हो चुकी है। किताबों का जो एक संग्रह है वो बहुत संकुचित रह गया है, ये कहा जा सकता है। और जो एक माहौल की बात करें, वो माहौल नहीं मिल पाता, जिस वजह से किताबों से जो युवा वर्ग है, जो नई पीढ़ी है, वो गुम होती जा रही है। श्रद्धा श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एक दर्शक। श्रद्धा जी, अपनी बात रखिए। जी, मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ कि आज के आधुनिक दौर में आप बच्चों को मोबाइल से तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन एक ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस हद तक करना है। और जब आधुनिक युग है, डिजिटल इंडिया की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, सरकार भी लगातार बढ़ावा दे रही है डिजिटल इंडिया का, तो डिजिटली एजुकेट करना भी बच्चों के लिए बेहद जरूरी है पेरेंट्स की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि किताबों का एक अलग ही अपना आनंद होता है। लोग फुर्सत के पलों में किताबों को पढ़ना चाहते हैं। अगर आप बात करें अखबार पढ़ने की और टीवी चैनल्स को देखने की, तो आपको एक अंदरूनी खुशी तभी मिलती है जब आप अखबार पढ़ते हैं। तो जो लोग फुर्सत के समय में होते हैं वो अखबार पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास बहुत अच्छी बात कही श्रद्धा जी आपने। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। आशीष जुड़े हुए हैं, एक दर्शक हरिद्वार से। आशीष जी, स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए इंटरनेट से काफ़ी हमें फ़ायदा है, मतलब आज के युग में इंटरनेट से मतलब हमें फ़ायदा है, इससे मतलब काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है इंटरनेट के थ्रू, बट कुछ लोग इसका मिसयूज भी करते हैं तो वो गलत है। बिल्कुल, और हम उसी मिसयूज को लेकर ही बात कर रहे हैं। फायदे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जो मिसयूज किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं लोग किताबों से दूर हो रहे हैं, इस बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष, और अपनी बात रखने के लिए। कहीं ना कहीं जो नई पीढ़ी है वो किताबों से दूर होती जा रही है, और सर्वे में भी ये बात निकलकर सामने आई है कि इसके लिए जिम्मेदार इंटरनेट और स्मार्टफोन कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे। चल ब्रेक से वापस आ रहे हैं। किताबों से आखिर क्यों भटकती जा रही है नई पीढ़ी, इसको लेकर हम लगातार बात भी कर रहे हैं, लेकिन इस बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ बांदा से रामनारायण जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपको कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। रामनारायण जी, आप अगर सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। जी जी रामनारायण जी, अपनी बात रखिए। जो मोबाइल फोनों के द्वारा बच्चों का पढ़ना भी बेकार हो रहा है, किताबें के द्वारा पढ़ते भी नहीं है, अच्छी मोबाइल में लगे रहते हैं, तो क्या ये मोबाइल ये तो बंद कराया जाए, ये तो किताबों को ही बंद करा दिया जाए अभी। चलिए शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। कहीं ना कहीं मोबाइल को भी नहीं बंद कराया जा सकता, और किताबों को तो बंद कराना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किताबों से ही एक जो पढ़ाई होती है उसकी शुरुआत होती है और किताबें ही पढ़ी जाती हैं। और सवाल यही उठता है कि आखिर क्या वाकई स्मार्टफोन और इंटरनेट की दुनिया ही जिम्मेदार है, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना होगा और अवेयर होने की जरूरत है, समाज को अवेयर होने की जरूरत है। स्मार्टफोन के जरिए हम ये नहीं कह सकते कि स्मार्टफोन
गलत है उसका यूज करना, लेकिन किस तरीके का यूज किया जा रहा है, कहीं उसका मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है, इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। हमारे साथ स्टूडियो में अनिल जी भी जुड़े हुए हैं लगातार, जो कि पीजी कॉलेज बाराबंकी से हैं और साथ ही प्रोफेसर हैं। अनिल जी आपके पास आएंगे, लगातार ये बात निकलकर भी सामने आ रही है कि जो स्मार्टफोन है, जो इंटरनेट है, कहीं ना कहीं इसके चलते पढ़ाई भी कई बार देखा जाता है डिस्टर्ब होती है बच्चों को। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल जी आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन पहले दर्शक की बात सुन लेते हैं। लखीमपुर से सोनी एक दर्शक जुड़ी हुई है हमारे साथ, स्वागत है आपको कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। हेलो जी, जी हम ये चाहते हैं कि मोबाइल बिल्कुल बच्चों के लिए बंद कर दिया जाए, तभी ठीक रहेगा। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जी अनिल जी, आपने दर्शक की बात सुनी, क्या कहेंगे? जी मैडम, जी जी मैडम, कुछ सुधार किया जा सकता है। एक तो जो हम जन्मदिन पर, मैरिज एनिवर्सरी पर जो गिफ्ट देते हैं, अगर हम इन गिफ्टों की जगह पर तो गिफ्ट करें, जो जिस स्तर का व्यक्ति हो, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे हम में से कोई व्यक्ति हो, उसके जगह पर अगर हम गिफ्ट देते हैं, घड़ी देते हैं, मोबाइल देते हैं, अन्य चीजें देते हैं, उसकी अपेक्षा हम पुस्तकें दें, चाहे विचारकों की पुस्तकें हो, चाहे नैतिक शिक्षा से जुड़ी हुई पुस्तकें हो, हम अगर पुस्तकें देना अनिल जी आते हैं आपके पास। एक दर्शक हमारे साथ झांसी से जुड़े हुए हैं, उनकी पहले बात सुन लेते हैं। मनोज जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपको कॉल करने के लिए। मनोज जी अपनी बात रखिए। ये आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, मैं ये देख रहा हूँ, लेकिन बच्चों में जिस तरह से आधुनिकता की दौड़ है, आधुनिकता की दौड़ में हर परिवार, हर जो अभिभावक है वो अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की चाहत रखता है, इसको लेकर के जिस तरह से उनको इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं दी जाती है, कंप्यूटर अवेलेबल किया जाता है, अगर अभिभावक इस जिम्मेदारी को समझें कि शाम को आधे घंटे या एक घंटे का वक्त अपने बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए उनको दें, रुचिकर किताबें दें जिसमें उनकी इच्छा के हिसाब से जो भी वो चाहें पढ़ना, चाहे कॉमिक्स हो। जायज बात आपने कही है मनोज जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जी अनिल जी, गिफ्ट में किताबें देने का जिक्र कर रहे थे आप। मैडम तो एक तो ये है कि गिफ्ट, जी जी, दूसरा है कि घर में पूजा घर के साथ साथ एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। लाइब्रेरी होगी, घर में पुस्तकें होंगी तो बच्चों की नजर कहीं ना कहीं पड़ेगी, और जब हमारे पास पुस्तकें होंगी तो हम बच्चों को कहेंगे देखो ये किताब रखी है, मोबाइल बंद करिए, ये किताब जाके पढ़िए। दूसरा है कि हम घरों में देखते हैं अपनी विलासिता के हिसाब से, अपनी आर्थिक स्थिति पर खूब सजावट करते हैं। आप किसी ड्राइंग रूम में जाइए, शायद ही टीचर को छोड़ दीजिए, तो किसी के घर में ड्राइंग रूम में सजावट के सामान की जगह पुस्तकें हों, तो ये इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, अभिभावक के साथ सामान्य जनता भी जिम्मेदार है कि हम अपने घरों में पुस्तकों के अपेक्षा अन्य सजावट की चीजों को ज्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल, फेंगशुई है, अन्य चीजें हैं, उसी तरह की हम अगर पुस्तकें रखें तो हम हमारे घर में पुस्तकें होंगी, गाहे बेगाहे हमारी नजर भी पड़ेगी, कोई विचार कौन का तो हम उसको लेके पढ़ने लेंगे। अब क्या हो रहा है कि जब हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तो मोबाइल भी चलाने लगते हैं। पहले क्या होता, लोग किताबें, किसी बात को लेके कुछ होना होता तो किताब ढूंढते थे, गीता में ढूंढते थे, रामायण में ढूंढते थे, इससे लोग दूर होते जा रहे हैं। तो पूजा घर के साथ ही साथ घर में एक लाइब्रेरी भी होनी चाहिए, निजी पुस्तकों की लाइब्रेरी होनी चाहिए, पूरे मतलब पुस्तक बाजार में हर स्तर की किताबें, हर तरह की किताबें उपलब्ध हैं, लिखने वालों कमी नहीं है, पढ़ने वालों कमी नहीं है, लेकिन जो युवा पीढ़ी थोड़ी उससे कटती जा रही है, उसके लिए सबसे जरूरी जो गार्जियन से उन्हीं की जिम्मेदारी है। हम लोग लगातार, मैं एक पत्रिका निकालता था, कई बार मैंने उसमें संपादकीय में यही लिखा कि लोग गिफ्ट में किताबें देना शुरू कर दें। बुके देखिए, एक इतना महंगा 200-250 रुपए खरीदते हैं और एक घंटे दो घंटे बाद वो बेकार हो जाता है। पुस्तकें कम से कम 10 साल 20 साल 25 साल तक रहती हैं, तो ये चीजें हैं कि हम इनसे कुछ सुधार ला सकते हैं। बिल्कुल, चलिए अनिल जी आपके पास आएंगे। दर्शन सिंह जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। दर्शन जी आप कहाँ से बोल रहे हैं और साथ ही अपनी बात रख सकते हैं? पीलीभीत हनुमानगढ़ से। जी हनुमानगढ़ से बोल रहे हैं, स्वागत है आपको कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। क्या विषय है? मोबाइल का विषय ना। जी 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 बिल्कुल, माँ प्यो का ही कसूर होता है, और तो किसी का कसूर नहीं है। बच्चों को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना, तो माँ प्यो का ही कसूर है।
चलिए, शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि आज की आधुनिकता की इस दौड़ में स्मार्टफोन की दुनिया से भी जुड़ना जरूरी है, क्योंकि डिजिटल हो रहा है इंडिया, तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन जो परीक्षाएं हो रही हैं, तो टेक्नोलॉजी से जुड़ना एक अच्छी बात है, लेकिन उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। और इसके लिए सबसे जरूरी बात है कि जो गार्जियन होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं सजग होने की जरूरत होगी। अनिल जी आपके पास आएंगे, और जिस तरीके से अगर देखा जाए नई पीढ़ी की हम बात कर रहे हैं, तो उसकी मानसिकता और रुचि को भी समझने की जरूरत होगी, ताकि अगर वैसा कंटेंट होगा तो जाहिर सी बात है किताबों से जुड़ सकेगी नई पीढ़ी। जी अनिल जी, आप अपनी इस पर प्रतिक्रिया रख सकते हैं, हम आपकी बात हम तक पहुंच पा रही है। प्रश्न नहीं आ पाया मैडम आपका। जी अनिल जी, हमारा यही सवाल था कि कहीं ना कहीं डिजिटल होना गलत नहीं है, स्मार्टफोन यूज करना गलत नहीं है, बस इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि इसका मिसयूज ना हो। साथ ही हम किताबों की अगर बात कर रहे हैं तो हमें नई पीढ़ी की रुचि को भी समझना होगा। अगर कंटेंट वैसा होगा तो जाहिर सी बात है जो नई पीढ़ी है वो किताबों से जुड़ सकेगी। इसका जवाब लेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं जयपुर से, स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। हाँ मैडम जी। जी मैडम, मेरा तो सुझाव ये है कि मोबाइल फोन का एक लिमिट तक यूज होना चाहिए। बिल्कुल। और हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मोबाइल को हम पूर्ण रूप से हटाए, लेकिन उसका यूज हम एक लिमिट से करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा कि हम मिसयूज तो नहीं कर रहे। शुक्रिया कॉल करने के लिए और बात रखने के लिए, और दर्शकों से एक अनुरोध और करना चाहेंगे कि वो जब भी कॉल करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम जरूर धीमा कर लें, ताकि बात करने में बीच में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। जी अनिल जी, ऐसा है कि हम मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया से अपने को पृथक तो नहीं कर सकते, हमें साथ साथ चलना होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये सूचना विस्फोट का युग है, हमें लेटेस्ट सूचनाएं, तात्कालिक सूचनाएं, तत्क्षण सूचनाएं लेनी है तो इंटरनेट मोबाइल के द्वारा ही हम ले सकते हैं। डीप नॉलेज लेने के लिए पुस्तकों की जरूरत है। बिल्कुल, इंटरनेट के द्वारा हम जो तात्कालिक नॉलेज तो ले लेते, सूचनाएं हम प्राप्त कर लेते, लेकिन हमको ज्ञान लेना है। कई बार बेसिक एजुकेशन में हमको लगता है आज से 25 साल 30 साल पहले एक प्रयोग हुआ था कि बच्चों को टीवी से पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत केंद्र सरकार ने बहुत पैसा खर्च किया लेकिन वह फेल हो गया। बिना किताबों के पढ़ाई तो नहीं हो सकती। बिल्कुल, पढ़ाई के लिए किताबों की ही जरूरत पड़ेगी, और हमें किताब के पास जाना। रही बात कंटेंट की, तो देखिए बाजार में कंटेंट हर स्तर के, हर तरह के कंटेंट की किताबें उपलब्ध है। अब जरूरत है कि हम अपनी रुचि के हिसाब से किताबों तक जाएं। ये काम होता था लाइब्रेरी का, जिस तरह से खुला बाजार आया है, बिग बाजार हो रहे हैं, लेकिन कोई पुस्तकों का बिग बाजार ऐसा नहीं बना है लखनऊ भर में, पूरे लखनऊ भर में इतने माल है लेकिन कोई ऐसे माल नहीं बना है जो किताबों का माल हो कि आप जाइए और अपनी रुचि के हिसाब से किताबें छांटिए और अपना जाइए एक जगह बिलिंग करा लीजिए। हमें या जो भी ये समाज है या जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उन्हें इस तरफ सोचना पड़ेगा कि हम किताबों के प्रति युवा पीढ़ी को कैसे टर्न अप करें। तो उसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसे माल बनाने पड़ेंगे, ओपन लाइब्रेरी ऐसे बनानी पड़ेंगी। लाइब्रेरियां घटती चली जा रही है, लाइब्रेरी में नई किताबें नहीं आ पा रही है, क्योंकि जो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं वो अपना मुंह मोड़े हुए हैं कि पढ़ते नहीं है। अगर पढ़ नहीं रहे छप कैसे रही है, किताबें छपना तो कम नहीं हो रही है। बस पुस्तक मेले में या अन्य जगह आप देखिए बुक फेयर लगते हैं तो लोग किताबें खरीदते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी कट रही है, पुराने लोग पढ़ रहे हैं, जो जिनकी आदत है पढ़ने की, जैसे हम लोग दो तीन घंटा अगर नहीं पढ़े तो नींद ही नहीं आती है। हाँ, लत यह है कि जैसे हम लोग भी मोबाइल लेके बैठ जाते हैं तो एक घंटा कम निकल जाता, पता ही नहीं लगता। अब हो क्या रहा है कि एक्चुअल रिलेशन तो समाप्त हो रहे हैं, वर्चुअल रिलेशन बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसको हम जानते नहीं उसको हम हाय हेलो और उसके हम प्रत्युत्तर देते रहते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, तो एक तो एक्चुअल रिलेशन को हमें जिंदा करना पड़ेगा और वर्चुअल रिलेशन से हमको करना पड़ेगा, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं, हम उनको उनसे प्रत्युत्तर करते हैं, उनका जवाब देते हैं। इधर बीच में कुछ जो
ये ट्विटर वगैरह है, इसमें अनावश्यक चीजें बहुत ज्यादा लोग देने लगे हैं। राजनीति जिससे कोई मतलब नहीं है, अनावश्यक विवाद बढ़ रहा है, तो उस पर बहुत ज्यादा युवाओं का समय जा रहा है। बिल्कुल राजनीति से नहीं कोई मतलब, वो भी जबरदस्ती का सवाल जवाब कर रहे हैं, तो उससे पढ़ाई उनकी नुकसान है और एकाग्रता में बहुत बड़ी बाधा है। ये मोबाइल एकाग्रता में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है। बिल्कुल, तो इसके लिए जरूरी है कि एक तो पुस्तकों की मतलब पुस्तकालयों की संख्या बढ़ाई जाए और इसका भी खूब प्रचार प्रसार किया जाए। बिल्कुल, पुस्तकों के प्रति कैसे उनकी रुचि बढ़ेगी इसके लिए वर्कशॉप कराने की जरूरत है। वर्कशॉप कराने की जरूरत है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से मल्टीप्लेक्स बनाए जा रहे हैं और रेस्टोरेंट बनाए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पुस्तकालय भी अगर सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा। लोग पढ़ने किताबों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे अहम बात की जो समाज को है अवेयर होने की जरूरत है। स्मार्टफोन की दुनिया से जुड़ना एक अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं किताबों से दूर होना, अगर आपको डीप नॉलेज की जरूरत है तो वो किताबों के जरिए ही संभव है, क्योंकि अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो ही आपको उस गहराई तक उसकी जानकारी मिल पाएगी। और स्मार्टफोन से भी जुड़ना होगा, क्योंकि आज का जो आधुनिक युग है वो पूरी तरीके से डिजिटल इंडिया का निर्माण कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए इससे भी जुड़ना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं, तो आधुनिकता के इस दौर में इस बात से भी इत्तेफाक रखना पड़ेगा। लगातार इस मसले को लेकर दर्शकों से अपील है कि इस मसले को लेकर अपनी राय रख सकते हैं, और जो भी आपके जहन में अगर बात आ रही है तो उसको बेबाकी के साथ कॉल करके रख सकते हैं। अनिल जी, देखा गया है कि अगर कॉलेज की हम बात करें तो कॉलेज में लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में एक शांतिपूर्ण माहौल होता है, वहां पर पढ़ने के लिए पुस्तकें होती हैं, लेकिन आजकल देखने में आया है कि लाइब्रेरी जो है वहां का माहौल पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, वो शांति नहीं मिल पाती है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं किताबें लोग वहां बैठकर नहीं पढ़ पाते हैं। जी मैडम, ये समस्या है। महाविद्यालयों में भी पुस्तकालय तो हैं, लेकिन वाचनालय नहीं है। जितना व्यवस्थित होना चाहिए उतने व्यवस्थित वाचनालय नहीं है। अब उसके लिए जो प्रशासन होता कहा था हमारे पास कोई ग्रांट नहीं है, तो अब ग्रांट नहीं है इसके लिए, अब यूजीसी को इस तरफ ज्यादा ध्यान देना, अभी बीच में आया है, सभी कुलपतियों से कहा है गवर्नमेंट, यूजीसी ने कहा कि सब लोग नए विजिट कराएं अपने यहाँ, नए करवाएं, और कुलपतियों के माध्यम से अन्य कॉलेजों को भी कहा गया कि वो नए कराएं, क्योंकि ये जो व्यवस्था है महाविद्यालय की जो व्यवस्था है ये छात्र केंद्रित है, न कि प्रशासन केंद्रित है, सरकार केंद्रित नहीं है, तो छात्रों को अधिकतम सुविधाएं दी जाए। अब स्तरीय पुस्तकें मंगाने की जो बात है वो प्रशासन ने ये कहा था कि हमारे पास ग्रांट नहीं है, ग्रांट का बहाना करके वो बच जाता है। अब छात्र भी उस तरह के इतने जागरूक नहीं रह गए हैं कि जो पुस्तकें पढ़ने के प्रति रुचो, हम लोग साल भर कहते रहते पुस्तकें खरीदो, लेकिन वो पुस्तकें नहीं ले, वो सीरीज का इंतजार करते, जब सीरीज आ जाएगा तब हम खरीदेंगे उसे पढ़ लेंगे। पहले के विद्यार्थी किताबें खरीदते, डिक्शनरी तो जानते ही नहीं कि हिंदी की भी डिक्शनरी होती है, बिल्कुल अंग्रेजी की डिक्शनरी होती है उन्हें पता है, लेकिन हिंदी की डिक्शनरी, संस्कृत डिक्शनरी होती है उन्हें नहीं पता है, तो उनके हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, तो जरूरत है कि वर्कशॉप कराए जाए, इस पर सेमिनार होने चाहिए कि कैसे वो पुस्तकों से बढ़े। और दूसरा, जैसे पुस्तकें बहुत महंगी हो गई, प्रिंटिंग बहुत महंगी, जो अच्छी पुस्तकें हैं वो 250-300 रुपए की हैं, तो ये भी एक समस्या है कि पुस्तकों का मूल्य कम किया जाए। पेपर का मूल्य बढ़ गया, प्रेस वाले कहते पेपर का कीमत बढ़ गई है, बिल्कुल, तो इसलिए हमको इनका रेट बढ़ाना पड़ता, तो ये समस्याएं हैं। बिल्कुल, पुस्तकों के मूल्य भी कम किए जाने चाहिए ताकि लोग उसे आसानी से खरीद सकें और पढ़ सकें। अगर देखा जाए अनिल जी, तो कहीं ना कहीं जो पुस्तक मेलों का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अभी विश्व का पुस्तक मेला का समापन भी हालांकि हो चुका है, और अगले 2-3 महीनों में कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इन जगहों पर पुस्तक मेला आयोजित होगा, तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। जी, जो लोगों को कहीं ना कहीं किताबें पढ़ने के लिए आदि बनाएगा।
अनिल जी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि जैसे अंग्रेजी में अगर मध्यवर्गीय पाठकों के पसंदीदा जो विषयों की अगर बात करें तो विषयों पर लिखने वाले जो चेतन भगत जैसे लेखकों की किताबें अधिकतर लोकप्रिय पाई गई हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा उन्हें खरीदते हैं, पढ़ते हैं। और अगर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में जो बड़े लेखक हैं उपन्यास या कहानी संग्रह का की बात की जाए तो वो हजार दो हजार ही छपते रहे हैं, यानी कि कम लोग इसे पढ़ते हैं, तो इसकी क्या वजह मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, मध्यम वर्गीय जो लोग हैं वो किताबें खरीदते हैं लेकिन औसत में कम खरीदते हैं। अब उनको चूंकि इंटरनेट से सारी सुविधाएं मिल जाती हैं तो उस इंटरनेट से वो पढ़ लेते हैं, उनको सस्ता पड़ता है। अगर अब जो भी लेटेस्ट बुक आती है वो इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाती है तो उसे इंटरनेट पे पढ़ लेते हैं, सरसरी निगाह से पढ़ लेते हैं, अखबार में उनका रिव्यू आ जाता है उसको पढ़ लेते हैं। एक एक कोई गाइडलाइन बननी चाहिए कि किताब की कितनी प्रतियां बिक जाए उसके बाद ही उसका बुक रिव्यू हो पाए, उसके बाद उसको इंटरनेट, जैसे फिल्मों के प्रति है कि फिल्म रिलीज हो जाएगी उसके बाद ही पायरेसी जैसे हो जाती है, तो इस तरह की कोई ऐसी चीजें इंटरनेट पर तब डाली जाए जब उसकी एक एक सर्वव्याप्ति हो। अगर इंटरनेट पर डाल दी जाएगी और वहीं से लोग पढ़ लेंगे तो किताब खरीदेंगे नहीं। चलिए अनिल जी, आपके पास वापस लौटेंगे, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं आगरा से। साहिल जी, स्वागत है आपको, कॉल करने के लिए अपनी बात रखिए। जी, ये सबसे अच्छा आपका प्रोग्राम है, सबसे पहले धन्यवाद कि आपने मुद्दा उठाया और ये आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है। ये बात सच है कि मोबाइल फोन किताबों को कम कर रहे हैं क्योंकि अब सारी चीजें अगर मोबाइल पर ही लोग पढ़ने लगेंगे देखने लगेंगे तो किताबों को कौन पढ़ेगा। ये सच है कि मोबाइल फोनों से किताबों से लोग दूरियां बना रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा ये भी है कि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी वो किताबों का एक वजन, हमेशा कहा जाता है बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है कि किताबें सच्ची दोस्त होती हैं, अब वो कहावत दूर होती जा रही है, अब मोबाइल सच्चे दोस्त हो गए उनके। बिल्कुल, ये बात सही है साहिल जी कि किताबें सच्ची दोस्त होती हैं और इसी से कहीं ना कहीं लोग दूर होते जा रहे हैं क्योंकि स्मार्टफोन की जो दुनिया है उसमें खोते से जा रहे हैं और इसमें थोड़ा सा जो गार्जियंस हैं, जो समाज है उसको थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत होगी। जरूरत दोनों ही चीजों की है लेकिन कितनी, ये थोड़ा सा पैमाना इसका बनाना होगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और लगातार हम बात कर रहे हैं कि आखिर हमारी नई पीढ़ी जो है वो आधुनिकता के दौर में खोती सी चली जा रही है और किताबों से दूर होती जा रही है। इसी बात को लेकर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों से अपील भी करेंगे कि इस बात को लेकर, इस मसले को लेकर अपनी राय रख सकते हैं क्योंकि आपकी राय बेहद ही महत्वपूर्ण है। अनिल जी, आपके पास आएंगे, युवा पीढ़ी को किताबें पढ़ने के लिए आखिर कैसे प्रेरित किया जाए? देखिए, उनको प्रेरित करने के लिए सबसे जरूरी जो चीज़ है कि एक वर्कशॉप कराया जाए। वर्कशॉप में उनसे उनके विषय से संबंधित पुस्तकों को रखा जाए, एक्सपर्ट बुलाए जाएं और एक्सपर्ट के द्वारा और उसमें एक्सपर्ट के साथ साथ जो प्रेस से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी बुलाया जाए। उनसे और ये उनकी रुचियों का भी एक सर्वे कराया जाए कि वो पाठ्यक्रम के अलावा और कौन कौन सी रुचियां उनकी नई विकसित हुई हैं जिन पे पुस्तकें लिखी जाए। अभी एक इस समय जैसे राष्ट्रवाद पर बड़ा चर्चा पर चर्चा रहा तो एक पुस्तक आई है, हमारे मित्र है रविकांत जी, प्रोफेसर है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, आज के समय में राष्ट्रवाद, दो पुस्तकें उनकी आई हैं और दोनों बेस्ट सेलर रही हैं। तो जो करंट टॉपिक होता है उस पर जब पुस्तकें आती हैं मार्केट में तो लोग उसको पढ़ते हैं। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि पुस्तकें पढ़ने का क्रेज कम हुआ है, ये युवा पीढ़ी में थोड़ा कम हुआ है इधर 4-6 सालों में। अब उसके लिए जरूरत यह है कि तो पुस्तकें सस्ती हों, सर्व सुलभ हों। बहुत सारी पुस्तकें हैं जो पता लगा दिल्ली में ही मिलती हैं, यहाँ तो मिल ही नहीं पाती हैं। तो एक तो पुस्तकों की सर्व सुलभता हो। बिल्कुल, अनिल जी आते हैं आपके पास, एक हिसाब से साथ नेहा जी जुड़ी हुई है, स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए नेहा जी। मेरा सवाल ये है कि
क्या किया जाए ताकि बच्चे ज्यादातर फोकस और युवा ज्यादातर फोकस लाइब्रेरी या पुस्तक पे दें और इंटरनेट को छोड़ दें, ताकि ज्यादातर फोकस इंटरनेट पे ना रहे, और इसका क्या कारण होगा, हमको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, यही सवाल मेरा भी था अनिल जी से, और अनिल जी शायद उसे डिस्क्राइब भी कर रहे हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए नेहा जी, और अपनी अपना ये सवाल करने के लिए। जी जी अनिल जी, जी अनिल जी आपके पास आएंगे, अपनी बात पूरी कर सकते हैं। और लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ एक और मेहमान भी जुड़ चुके हैं, आकर्षक जी हैं, आकर्षक चंदेल जी बुक फेयर के आयोजक हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी अनिल जी, जी धन्यवाद। हाँ मैडम, जैसे नेट पैक सस्ते होते जा रहे हैं और पुस्तकों का रेट बढ़ता जा रहा है, अब विद्यार्थियों को लगता है हमको सारी चीजें नेट से ही मिल जाएगी, तो पुस्तकें क्यों खरीदें? बिल्कुल, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि नेट, आज से दो साल पहले नेट बहुत महंगा होता था, अब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, पैक सस्ता होता जा रहा है, तो पुस्तकों की अपेक्षा उसको सस्ता किया गया, पुस्तकें सस्ती नहीं की गई। अब आप आकर्षक जी आए हैं, ये बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि क्यों लोगों का आकर्षण कम हो रहा है। मुझे जो समझ में आया मोटा मोटा कि चूंकि पुस्तकें महंगी होती जा रही हैं, जो भी नई फरीदाबाद से एक दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जसवीर। जसवीर जी स्वागत है आपको कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। मैडम मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो पढ़ने वाले बच्चों को पहली बार तो मोबाइलों से दूर रखना चाहिए। बिल्कुल जी जसवीर जी। मैडम मैं आपसे ये कहना चाहूँ, पहले तो बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, ये जो 4G मोबाइल है इनको दूर रखा जाए मोबाइलों से। ये मोबाइलों में अधिकतर बात करते रहते हैं, इधर से उधर चैट करते रहते हैं, किताबों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पढ़ाई को डिस्टर्ब करता है स्मार्टफोन। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जी आकर्षक जी, क्योंकि समय बहुत कम बचा है तो आपके पास ही आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर क्या मुख्य वजह मानी जाए जो नई पीढ़ी है वो किताबों से दूर होती जा रही है, और कैसे उन्हें इस ओर आकर्षित किया जाए कि ताकि वो किताबों को पढ़ना अपने जहन में, अपनी आदतों में शुमार कर पाए। जी देखिए, जैसे प्रतिदिन जो है लोगों का जो रुझान है वो मोबाइल में काफ़ी चीज़ें हैं अवेलेबल, कि आप अगर किसी चीज़ की जानकारी लेना चाहें वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जो एक किताब में है जानकारी उसकी एक अलग अहमियत रहती है, कि किताबों में जो भी चीज़ें हैं और जो भी हमारे लेखक हैं उनकी जो भी रचनाएं हैं या जो भी चीज़ें वो बताना चाहते हैं वो किताबों के द्वारा ही सीखी जा सकती है। और इसी वजह से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे हमारा लखनऊ काफ़ी बड़ा देश है, मतलब काफ़ी इसकी जो वो है पॉपुलेशन है ये भी करीबन 40 से 45 लाख लोगों की है, तो अब हर किसी व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं रहता है कि वो आराम से पुस्तकें इधर से उधर देख सके, इसीलिए हम यहाँ पे जो है पुस्तक मेला लगाते हैं, ताकि लोगों की जो एक मुख्य आकर्षण रहता है हमारे पुस्तक मेले का, कि एक तो हमारा जो पुस्तक मेले में प्रकाशक आते हैं वो भी अपनी नई चीजें लोगों के बीच में ला सकते हैं, और दूसरी जो है उससे लोगों को और जानकारी मिलती है, प्रकाशक क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या पुस्तकें हैं। बिल्कुल, वो सारी चीजों में काफी लोगों को जो है हेल्प मिलती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए मोबाइल तक जो है जो भी चीजें हैं वो अलग चीज है, लेकिन जो आपका मेन बुक्स हो गया, बुक्स में एक अलग नॉलेज रहती है, तो वो जो है वो सीखी जा सकती है पढ़ के ही। आप फोन में देखेंगे बहुत सी चीजें उससे रिलेटेड है, आपके जो है उसकी जो रेज है उससे भी इफेक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन आपके पास आएंगे आकर्षक जी, तो आपका एक दर्शक हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। बलदाम जी स्वागत है आपको कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। मैडम मैं अपनी बात ये रखना चाहता हूँ कि स्कूलों में जब हम जाके कभी देखते हैं तो टीचर किताबों में बच्चों को कभी यही नहीं कहते कि आप किताब पढ़ के सुनाइए हमें। बिल्कुल, टीचर ये नहीं कहते कि किताब पढ़कर आप सुनाइए। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। रानीखेत से एक दर्शक और जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आरएस रावत जी स्वागत है आपको कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए।
जी आर एस रावत जी अपनी बात रख सकते हैं, समय का अभाव है। मैडम ये क्या कहते हैं, जैसे बच्चों ना किताबों के अलावा जो है मोबाइल पे ज्यादा लगे रहते हैं जी, इससे इनको मतलब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाए, क्या मतलब हम ऐसे वो करें? बिल्कुल, और इसी बात को लेकर के न्यूज ने ये मसला उठाया था सुबह बोलेगा में कि इस बात को लेकर चर्चा की जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि आखिर कैसे स्मार्टफोन की दुनिया से भी जुड़ना चाहिए लेकिन किताबों से भी जुड़ना, अगर एक डीप नॉलेज लेनी है तो किताबों से भी जुड़ना बेहद ही अहम हो जाता है और अपनी आदतों में शुमार कर लेना चाहिए, क्योंकि समय का अभाव है, इस चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आकर्षक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और साथ ही अनिल शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बड़ी जिम्मेदारी समाज वर्ग की भी है और साथ ही जो पेरेंट्स हैं उनको भी अवेयर होने की और जिम्मेदार होने की जरूरत है कि अपने बच्चों को ये सिखाएं कि आदतों में ये शुमार करवाएं कि उन्हें किताबें पढ़नी चाहिए और उसी से उन्हें एक बेहतर नॉलेज मिल पाएगी। अपडेट होना जरूरी है क्योंकि जो अपडेट होता है वो स्मार्टफोन के जरिए कहीं ना कहीं तुरंत जानकारी मिल जाती है लेकिन किताबों से दूर तलक की जानकारी भी मिल जाती है। इसी के साथ सुबह बोलेगा में फिलहाल इतना ही, आगे खबरों के लिए आप जुड़े रहिए के न्यूज इंडिया के साथ।